अपनी बेटी को बेच, उसको 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 ये सब करके बेच। तू ये क्यों लिख रहा है? तू तो कभी, तू ये भी लिखता है कि दाऊद ने मुझे फोन किया था, दाऊद की। कपिल शर्मा पिछले साल से विवाद के घेरे में आता ही जा रहा है और वो एक नया विवाद में आ गया है कल। वो क्या विवाद है? वो है स्पॉट बॉय का एडिटर जो है विकी लालवानी, उनके साथ उन्होंने एब्यूजिव वर्ड में बहुत सारा बातें किया है। सुनिए ये रिकॉर्डिंग। विकी, दिस इज कपिल शर्मा। हाय कपिल, हाय। जिनके बारे में आप बहुत कुछ इधर उधर ये सब लिखते रहते हो, पर विकी मैंने हमेशा आपके आर्टिकल देखे हैं। कि जैसे मेरी फिल्म का आर्टिकल आया था, आपने कहा था यू आर ए जीरो एक्टर। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया कि एक जर्नलिस्ट की लैंग्वेज तो ये नहीं हो सकती। मतलब कभी कभी आप इतना नेगेटिव लिखते हो, हमेशा ही नेगेटिव लिखते हो, क्यों लिखते हो विकी जी? कोई रीजन है इसका? नहीं सही, द मेन आई एम जस्ट आस्किंग यू सर, द स्टोरी इज द मेन स्टोरीज विच हैव एवरीबडी विच हैज ट्रबल्ड एवरीबडी इन द टीवी एंड फिल्म इंडस्ट्री। बेसिकली यू हैव बीन कैंसलिंग द शूट्स लेफ्ट राइट सेंटर। सो विकी जी, मेरी मे बी आई एम इन डिप्रेशन, मेरे को कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, आपको नहीं पता कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ, लेकिन आप मेरे बारे में कुछ ना कुछ गलत लिखे जा रहे हो। ये लिखा है कि यशराज ने मुझे फिल्म ऑफर की थी बैंक चोर, और मैंने वो फिल्म मना कर दी बिकॉज मैं क्रिटिकली उसको पसंद नहीं करता था और वो फिल्म फ्लॉप हो गई। क्या आपने वो आर्टिकल लिखा? लालवानी, अगर तू मुझे मिल गया ना, तू इतना घटिया आदमी है। तेरी यू कैंट स्पीक टू मी लाइक दिस। आई कैंट स्पीक टू यू एनी टाइम। तू क्योंकि इतना You cannot speak to me like this. I will office. News दिखती है मेरी वजह से। You can. बोला नहीं। You cannot speak to me like this. You have no right. तेरी बेटी लिखना उसके बारे में। News बिकेगी। It just shows that it just shows your upbringing, sir. Yes, my upbringing is bad. Now what to do? It just shows your upbringing. सिर्फ यही नहीं, इसके बाद उन्होंने ट्विटर पे भी बहुत सारा एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करके ट्वीट डाला था, लेकिन बाद में वो दोनों ट्वीट डिलीट कर दिया गया था। लेकिन कपिल ने वो ट्वीट डिलीट नहीं किया था, वो ट्वीट उनके टीम ने डिलीट किया था एज पर हिम। तो दोस्तों, ये गंदगी क्या हो रहा है इंटरनेट वर्ल्ड में? ये क्या सच में ही हो रहा है या कोई फेक प्रमोशन है? क्योंकि कपिल शर्मा कुछ दिनों से बहुत डाउन चल रहा है और साथ में स्पॉट बॉय को थोड़े ही बहुत लोग जानता है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि ये क्या हो सकता है, ये पब्लिसिटी स्टंट है या और कोई इशू है या सब कुछ दिखावा है। मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके कमेंट का। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर बुरा लगा है तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा। हम लोग गरीब आदमियों को मुफ्त में खाना, दवाई और कपड़े देते हैं। यहाँ पे जितना ज्यादा सब्सक्राइबर होगा, हम उतना ज्यादा गरीब आदमी को मदद कर सकेंगे। तो आप लोगों को हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी गरीब के मुँह में हंसी लाइए।